तो नमस्ते दोस्तों, आज इस नई वीडियो में बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों आपका डैन केबल से रिलेटेड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि जब आप अपने डैन केबल का ऑनलाइन रिचार्ज करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से खुद से घर बैठे, तो वहाँ पर आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है और वहाँ पर ये शो भी हो जाता है कि आपका केबल टीवी रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन जब आप अपने चैनल चेक करते हो 20 या 10 मिनट बाद, तो आपका टीवी पे चैनल से नहीं आता है, आपका पैकेज रिन्यू नहीं होता है, और फिर भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का आप वेट भी करोगे तब भी आपको नहीं दिखते होंगे चैनल्स। तो ऐसी सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वही आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बस कुछ नॉर्मल से 3-4 स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको रिचार्ज करने से पहले अप्लाई करने अपने डैन सेटअप बॉक्स पर, तो इससे आपके चैनल श्योरली आ ही जाएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वे 3-4, उसके बाद भी अगर आपके चैनल्स नहीं आते हैं लेकिन आपका जो रिचार्ज है वो हो गया, तो आपको क्या करना है इसके बारे में भी पूरा सलूशन आपको देने वाला हूं। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करनी होगी, कस्टमर केयर नहीं, वो दोस्तों एक अलग नंबर है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, जब आपने ऑनलाइन रिचार्ज किया होगा तो आप और आपके चैनल नहीं आए, तो आप सबसे पहले कहाँ गए होगे, गूगल पे, ताकि आपको इसके सलूशन मिल सके। तो मैंने भी गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे और डैन नेटवर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे गया, वहाँ पे इसके प्रॉब्लम्स के सलूशन देखने की कोशिश करी। तो वहाँ पर मेरे को कुछ आंसर्स ऐसे मिले जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद वो बताने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको सेटअप बॉक्स के साथ क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या नहीं करने हैं। आपको इस कार्ड के बारे में भी बताना है कि ये भी, जैसे कि आपका मोबाइल जो है वो हैंग होता है, उसी तरह से कार्ड की वजह से भी सेटअप बॉक्स भी हैंग करने लगता है, तो इसको भी बताएंगे क्या करना है। पहले वो सवाल उनके आंसर्स जान लीजिए जो मैंने ऑनलाइन गूगल पे रीड कर सर्च करते समय पढ़े थे। तो देखो वहाँ पर क्या लिखा था, अगर आपका बिल हो चुका है, पेमेंट आपने कर दिया, आपके चैनल नहीं आए तो क्या करना है, और अगर आपका पैकेज रिन्यू करवाना है, पैकेज चेंज कराना है तो क्या करना है, या कोई अदर प्रॉब्लम है तो क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों जो ऑनलाइन पे मैंने गूगल पे सर्च किया उस पर एक ही नंबर लिख के आ रहा था, डैन केबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर उन्होंने कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ था जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। तो वहाँ पर आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा डैन कस्टमर केयर का नंबर, आपको बस गूगल पे जाना है और वहाँ पर देखो इस तरह से गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे डैन केबल कस्टमर केयर सर्च कर देना है। सर्च करने के तुरंत बाद ये नंबर आपको ऐसे शो हो जाएगा। चलिए ये तो आपको पता ही होगा और आपने शायद कॉल भी करी हो, लेकिन आपको बात बताता हूँ एक और कि वहाँ पर डैन केबल पे एक और बात लिखी थी जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि देखो आप ऑनलाइन, मैंने उस पर ये देखा था कि लोगों ने पूछा है कि ऑनलाइन डैन केबल का रिचार्ज कैसे करें, तो उस पर लिखा था कि आप ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो घर बैठे खुद से किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए, ठीक है। लेकिन कंडीशंस उन्होंने ये लगाई थी कि ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो आपका केबल ऑपरेटर है, जो आपको केबल प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके पास वो ऐसे फैसिलिटी दे रहा है आपको कि आप उसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो। क्योंकि कुछ जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं उनके जो काफ़ी सारे ऐसे नियम होते हैं कि उन्हें ना ऑनलाइन रिचार्ज अपने कस्टमर्स को नहीं करने देते हैं, वे खुद ही रिचार्ज करते हैं और उनसे सबसे पहले उसका फ़ीस ले लेते हैं, उसका पेमेंट पहले ही ले लेते हैं, फिर वो खुद अपने आराम से उसका रिचार्ज करते हैं एक साथ एक ग्रुप टाइप में, ठीक है ना। तो वो ऐसी कई केबल ऑपरेटर से सुविधा नहीं देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये पहले आप इंश्योर करिए, उसके बाद ही ऑनलाइन से खुद से रिचार्ज करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया था तो हो सकता है यही रीज़न है कि आपके जो चैनल हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो केबल ऑपरेटर्स रिचार्ज करने का जो फैसिलिटी है वो देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके चैनल नहीं आए तो मैं जो बता रहा हूँ वो करिए, आपके चैनल 100% आ जाएंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपका जो केबल है, जब आपका उसका सब्सक्रिप्शन कट हो जाता है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो आप उसको रिचार्ज करवाते हो तो आप अपने कस्टमर केयर जो भी है केबल ऑपरेटर उसको कॉल करते होगे, तो वो क्या बोलता होगा आपसे, तो आपका पता नहीं आपका कैसे रिचार्ज करता है वो। तो जब मैं कॉल करता हूँ अपने केबल वाले को तो वो मुझसे बोलता है कि सर हम आपका रिचार्ज कर देंगे, आप बस अपना टीवी स्विच ऑफ रखना, लेकिन सेटअप बॉक्स है इसको ऑन करके रखना। तो दोस्तों इसी कारण से मैंने भी आपको ऑन करके सेटअप बॉक्स रखा हुआ है, देखो ग्रीन लाइट जल रही है इस पर, ठीक है।
तो ऑन करने के बाद आपको जो इसको एक डेढ़ घंटे आधा घंटा इसको ऑन करके रखना है, ठीक है ना। आधा घंटा तो कम होगा, एक घंटा लगभग ऑन करके रखना है। उसके बाद वो वहाँ से रिचार्ज करते हैं, तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो मैंने इसे लेते समय दिया था, तो उसी नंबर पे PMI TV की तरफ से मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है और आपका जो केबल है वो भी चालू हो गया होगा। तो दोस्तों मैं एक डेढ़ घंटे बाद फिर चेक करता हूँ तो मेरे चैनल्स आ जाते हैं। इस तरह से मेरा केबल ऑपरेटर रिचार्ज करवाता है। तो दोस्तों ये तो मेरा केबल ऑपरेटर की बात होती है, तो अब आपको बताता हूँ। देखो अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो अपने मोबाइल से रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज करते समय आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको सबसे पहले अपना सेट टॉप बॉक्स ऑन कर देना है। रिचार्ज खुद से जब रिचार्ज कर रहे हो तो उसके 2-3 मिनट पहले इसको ऑन रख देना। आपका TV चाहे स्विच ऑफ रहे उसका कोई मैटर नहीं है, बस सेट टॉप बॉक्स ऑन रहना चाहिए, ठीक है। और जब आपने रिचार्ज कर दिया, करने के करीब आधा घंटा या एक घंटे बाद चेक कर लेना कि आपके चैनल आए हों या नहीं आए हों, ठीक है। वैसे तो चैनल आ ही जाएंगे, अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है। देखो तो रिचार्ज करने से पहले आपको एक और प्रोसेस करना है कि अगर आपका सेट टॉप बॉक्स ऐसा है, HD नहीं है, नॉर्मल SD सेट टॉप बॉक्स है जिसमें ऐसा कार्ड या रिमूव भी हो सकता है, तो आपको इसको रिमूव करके देखना है। क्योंकि होता क्या है कि जो जिस तरह से आपके कोई भी न्यूली मोबाइल हो वो एक बार या दो बार हैंग ज़रूर करता है, उसी तरह से इसका भी कार्ड है ना वो हैंग करने लगता है बाय चांस, जैसे सिम का नेटवर्क चला जाता है उसी तरह से कार्ड होता है। तो आपको इस कार्ड को एक बार रिमूव कर देना है। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, इसको आप बस यहाँ पर ऐसे आके आपको बस इसको ऐसे रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हो ऐसा ये कार्ड होता है। मेरा दोस्तों कार्ड मेरी मिस्टेक की वजह से ये टूट चुका है, देख सकते हो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको इसको सेफली से बाहर निकालना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सिम कार्ड जैसा ही इस पर चिप सी लगी रहती है, ये गोल्डन कलर में आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो कार्ड है जो केबल ऑपरेटर है वो मेनली यही कहते हैं आपसे कि इसको आपको बार बार रिमूव नहीं करना चाहिए, वरना आपको केबल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं दोस्तों एक दो बार ही मैंने इसको रिमूव किया था, फिर आपको इसको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आप चेक करिए कि आपका केबल है, चैनल आ गए हैं रिचार्ज करने के बाद या नहीं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने बताया कार्ड रिमूव करने वाला, ये आप रिचार्ज करने से पहले करिएगा, और अगर तब भी नहीं आते हैं तो रिचार्ज करने के बाद करिएगा, और अगर फिर भी नहीं आते तो आप देखो सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज करने से पहले ऑन छोड़ देना है, फिर आपको चेक करना है आधा या एक घंटे बाद। अगर नहीं आता है चैनल तो आपको इसको कार्ड को रिमूव करना है, और अगर कार्ड को रिमूव करने के बाद भी नहीं आता तो इसका जो पावर सप्लाई है, पावर केबल है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये जो पावर केबल है, ये अडेप्टर लाइन है, ये आपको यहाँ से रिमूव करनी है। एक बार ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका स्लॉट भी दिया, और फिर इस स्लॉट में एक दो मिनट रिमूव करने के बाद वापस इसको इंसर्ट कर देना। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अब तो आपका चैनल 100% आ ही जाना चाहिए। देखो मैंने अभी रीइंसर्ट किया इसका जो पावर केबल है, इसीलिए यहाँ पे लाइट चली गई है, थोड़ी देर में अभी आ जाएगी, देखो ऑन हो गया है। तो आपको ये कर लेना है, इसके बाद तो चैनल्स आपके 100% आने चाहिए जब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाए उसके बाद। अगर इसके बाद भी नहीं आते हैं तो इसका क्या सलूशन है। देखो सबसे पहला तो सलूशन यही है कि आप ऑनलाइन रिचार्ज ना करें, सॉरी दोस्तों पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा, इसको इग्नोर करना। आप इसको ऑनलाइन रिचार्ज जब करते हो तो उससे पहले जब आपका केबल कट होता होगा तो आपको अपने TV पे देख लेना है कि आपके TV पे एक मैसेज शो होता होगा जिस पे फ़ोन नंबर लिखकर आता है, और लिखा होता है यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो वहाँ पे लिख के आता है कि कॉन्टैक्ट योर केबल ऑपरेटर और कस्टमर सर्विस, है ना। तो वो तो वही होता है कि आप अपने केबल ऑपरेटर है उसको कॉल करिए और उसके ज़रिए अपना केबल है उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोबारा से, ठीक है। वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन अब क्या हुआ, अब बदल गया है। अब वो आने के साथ साथ एक नई स्क्रीन आती है जब आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ होता है। क्या होता है कि आपका जो पूरा TV स्क्रीन है वो पूरा लाइट ब्लू कलर में हो जाता है, और बीच में वाइट फॉन्ट्स में लिख के आता है कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, अगर आपको इसको रिचार्ज करना है तो कंटिन्यू करिए, और इस कॉल पे मतलब इस नंबर पे कॉल करिए। वहाँ पे एक नंबर भी दिया जाता है और आपको उस पर कॉल करना है, उसके ज़रिए आप रिचार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों देखो अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कर लिया है और आपका केबल नहीं आया, आपके चैनल से नहीं आया, तो आपको उसी नंबर पे कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो दोस्तों देखो मेरा अभी सब्सक्रिप्शन कट नहीं हुआ है, जब कट हो जाएगा मैं आपको वो स्क्रीन दिखा दूँगा कैसी आती है।
अपनी कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा या आपको एक नई वीडियो बना के दे दूंगा उसमें डाल दूंगा, ठीक है। उस पर भी वो नंबर दिया होगा तो आप मेरे वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, ठीक है। उस पर कॉल करके आप बता दीजिए कि हमने ऑनलाइन रिचार्ज किया था, आप ऐसी सर्विस देते हो डेन नेट केबल टीवी में तो हमारे चैनल नहीं आए हैं, हमने सेट टॉप बॉक्स भी ऑन करके रखा था, वो आपको सब बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इतना सब प्रोसेस होने के बाद आपके चैनल 100% आ जाने चाहिए। अब आप का एक और क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि जब हम रिचार्ज करवाते हैं अपने केबल ऑपरेटर से, वो हमें इनमें से कोई भी स्टेप करने को नहीं कहता, नॉर्मली हमारे चैनल्स आ जाते हैं 5-10 मिनट में उसके कहने के बाद। तो दोस्तों देखो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके चैनल 100% आ जाए। मैंने बोला ना ये सिम कार्ड जैसा होता है, ये थोड़ा चिपक सा जाता है अंदर, यानी कि ये हैंग सा करने लगता है जैसे आपके स्मार्टफोन्स करते हैं, तो उसी तरह से इसका भी फंक्शन होता है। इसमें भी सिम की जगह बस एक कार्ड पड़ा होता है जो वर्ल्ड वाइड है। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आपके चैनल्स 100% आ जाएंगे। जो मैंने आपको नंबर बताया था, एक तो होता है कस्टमर केयर का नंबर जो आपको अलग मिलेगा, जो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, वहाँ से कॉल करके वो भी आपको सोल्यूशन दे ही देगा। अगर वो नहीं देता तो जब आपका सब्सक्रिप्शन कट होता है तो आपका टीवी स्क्रीन पे एक तो वो फोन कार्ड वाला सर लिख के आता है कि यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल, वहाँ पे कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट केबल ऑपरेटर जो भी है वहाँ वो लिख के आता है नीचे। दूसरा नया स्क्रीन आया है वो पूरा स्काई ब्लू कलर में हो जाता है, उस पर वाइट फॉन्ट्स में लिख के आता है कि आप इस नंबर पे कॉल करिए और आपका रिचार्ज कर लीजिए तो कंटिन्यू करने के लिए। तो वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो वहाँ से। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करते हो, आप चाहते हो कि मैं घर से खुद से रिचार्ज करूँ, तो आप ज़रूरत नहीं है कि आप ऑनलाइन किसी UPI ऐप का यूज़ करें, वहाँ से जाके रिचार्ज करें। आपको अपने केबल ऑपरेटर से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब सब्सक्रिप्शन कट होता है तो TV पे खुद ही उस जो स्क्रीन पे खुद ही लिख के आता है कि अगर आपको फिर से कंटिन्यू करना है चैनल्स देखने तो इस नंबर पे कॉल करें। वहाँ पे अलग से एक नंबर दिया होता है, आप उस पे भी कॉल करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ऑनलाइन रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज भी करते हो तो मैंने इसमें जो स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करिए, आपके चैनल्स 100% आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि रिचार्ज करने से 2-3 मिनट पहले, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, आपको अपना सेटअप बॉक्स ऑन रखना है, फिर 1-1.5 घंटे बाद चेक करना है आपके चैनल आ जाएंगे रिचार्ज होने के बाद, ठीक है। अगर पैसे कट हो जाते हैं और अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आपको अपना रिचार्ज करने के बाद या करने से पहले आपको कार्ड रिमूव करके एक बार रीइंसर्ट कर देना है और आपका जो पावर केबल है वो पावर सप्लाई वाला ये जो लाइन है इसको भी रिमूव करके रीइंसर्ट कर देना है, तो आपके चैनल आ जाएंगे। अगर ये करने के बाद भी आपके चैनल नहीं आते हैं तो आपको क्या बताया था मैंने कि सब्सक्रिप्शन कट होने के बाद टीवी पे जो स्क्रीन आती है उस पर एक नंबर दिया होता है रिचार्ज करने के लिए, उस पर भी आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। रिचार्ज नहीं की करवाना है लेकिन आपने ऑनलाइन कर लिया, फिर भी आप उस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। पहला तो कस्टमर केयर है जो कि आपने शायद ट्राई कर लिया होगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप अपना रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन आपको अभी भी कुछ एश्योरेंस नहीं मिल पा रही है। तो मेरा अगर सब्सक्रिप्शन कट होगा किसी दिन तो मैं आपको खुद ही इसका प्रूफ दिखा सक दूंगा अपना लाइव मोबाइल से रिचार्ज करके कुछ ऐसा करके। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपका जानना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात ये कि आपको कोई ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन रिचार्ज करो, ये ज़रूर कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने केबल ऑपरेटर से पूछो कि हम ऑनलाइन रिचार्ज कर लें, हम अपने घर से कर सकते हैं, अगर वो यस करे तभी करो, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ टिपिकल रीजंस होते हैं, वो किसी को कहते नहीं है कि आप खुद से रिचार्ज कर लो। कई ऑपरेटर देते हैं ये सुविधा कि आप रिचार्ज कर सकते हो ऑनलाइन से, कई नहीं देते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल के ज़रिए कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी है। लेकिन आपने अगर ऑनलाइन कर लिया तो आपके चैनल नहीं आए, तो आपके ऐसे ये प्रोसेस अपनाने पे चैनल आ जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला था डेन सेट टॉप बॉक्स के साथ। तो रिचार्ज करने से पहले ये ध्यान रखें कि आपको सेट टॉप बॉक्स ऑन ही छोड़ देना है, नहीं तो आपके चैनल से नहीं आएंगे। ये बहुत ज़रूरी बात थी। और बाकी का अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आप रिसर्च कर लीजिए गूगल पे, अच्छे से रीड करिए आर्टिकल्स, आपको सब पता चल जाएगा। और डेन के बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस की वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पसंद आए तो बता देना। बाय।